अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बिल्डिंग का काम चल रहा है, साल भर हो गया वो अतिक्रमण देख लो, रेती कितनी रोड पे पड़ी है, वहाँ हटाओ ना, दुकान दिखती है बस। अभी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अरे मान रहा है, मैंने आपका विरोध नहीं करा था, पिछकारी वाला बोला भी है, आने बोलो ही मत ना, होता है ये चालू कर देते हैं, जिस दिन आगे लाए हैं तो मैं वो आगे लूंगा, जिस दिन प्लान करते हैं ना, जिस दिन अपन प्लान करते हैं, हाँ कुछ नहीं होता, जब भी अपन आगे खेलता हूँ पक्का काम है, अब होता क्या, हर बार ये परेशानी होती है, ये जिनका भी है, पिछली बार भी मैंने उस दिन सौरभ जी को नगर निगम में, सौरभ आप मेरे को आवेदन बता देता हूँ, बता देना था होली का त्यौहार आगामी दिनों में, दो चार दिन पहले बता देना था, तो अभी तक लगाते ही नहीं, यहाँ तो साल भर लगती लोगों की दुकान, साल भर तक रहता है, खाली केक ही चले जाते हैं, हाँ। और आज क्या किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं नगर निगम, ये सब दुकानें हटवा रहे हैं, क्या लगता है आपको इससे नुकसान होगा आपका होली पे, बहुत नुकसान होगा, क्या करना था नगर निगम को, पहले बोल देना था ना कि इसकी इस सीमा के आगे किसी को आना ही नहीं, तो व्यक्ति आते ही नहीं, तो आपको कभी नगर निगम ने बोला यहाँ से हटाने के लिए, नहीं बोला, बोलते हैं सब जने लगा लेते हैं, आगे लग जाता, आज क्या अचानक आए थे, पहले कोई सूचना करी थी हटाने की, कोई सूचना नहीं दी, अचानक आए, क्या लगता है होली के दिनों में दो तीन दिन के लिए लगा देना थी, अस्थायी दुकान है क्या, स्थायी दुकान है आप लोगों की, अस्थायी दुकान है, ये सीजन पे लगती है, बाकी हट जाती है, ये अतिक्रमण आप खुद हटा रहे हो कि नगर निगम द्वारा, खुद ही हटा रहे हैं अतिक्रमण, हम चाहते हम तो ये चाहते हैं कि एक जैसा व्यवहार हो जाए और एक जैसा काम हो जाए, तो क्या मानते हैं भेदभाव जैसा कुछ लगा आपको, तो होता है ना, लोगों तो साल भर लगती दुकान लोगों की, हम तो खाली चार चार छह छह दिन लगाते हैं खाली सीजन में दुकान, क्या नाम है आपका, कमलेश जी, दिनों में दो चार दिनों में होली का त्यौहार है, क्या लगता है आपको, ऐसा है कि नगर निगम कार्यवाही पहले एक दो चार दिन पहले हो जाती तो जो लोगों ने थोड़ा सा पहले आग्रह करते थे लोगों ने पीछे हट के लगातार बजा और अंदर वक्त हो जाते, अभी फिलहाल क्या लोगों की दुकान भी जम गई और सब सामान भी ऐसा पूरा जम गया है, बेचारा नुकसान भी हो रहा है, बहुत लोगों का टूटने का भी डर रह रहा है, तो पहले आग्रह करके और करते तो बहुत अच्छा रहता, क्या लगता है आपका स्थायी अतिक्रमण है क्या, स्थायी अतिक्रमण है, चार दिन में सब लगाते हैं ऐसे पूरी देवाद में, दो तीन दिन में फिर वो हटा भी देते हैं, क्या मानता है पूरा अतिक्रमण हो रहा है, तो ये हटना चाहिए क्या, क्या बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल स्थायी रोपे नहीं करा, स्थायी दो तीन दिन लगाते कोई दिक्कत नहीं है, पर सब हटा लेना चाहिए राजी मर्जी से, ताकि रोड भी चौड़ा रहे और पूरा यातायात सुलभ रहे, क्या नाम है आपका, लखन कौशल देवा, काय की दुकान है आपकी, ये अपने सीनियर भी धंधा करते हैं अपना, और क्या लगता है अभी आपका कोई नुकसान होगा इससे होली पे, हाँ इससे प्रभाव तो पड़ता है पर हाँ लोगों को तकलीफ भी होती है, इस कारण थोड़ा अपन पीछे हटके रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपका नाम, लखन कौशल, दुकानदारों का आरोप है मैम के दो तीन दिन के लिए अस्थायी अतिक्रमण होली की दुकानें लगाई और नगर निगम ने बिगड़ सूचना दिया, आज अचानक दुकानें हटाई, देखिए बात ये नहीं है कि ये होली के लिए लगाई गई थी, हम सारी चीजों को समझते हैं, पर होता ये है कि एक दूसरे को देख देख के, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन्होंने लगभग आधे रोड तक दुकान लगा दी, तो एक दूसरे को देख देख के ये अतिक्रमण निरंतर बढ़ता रहता है, इससे हम लोगों को कार्रवाई करनी है,
कई बैठके हुई मैम, कई प्रबंध हुए, लेकिन आज तक एमजी रोड का वर्षों से अतिक्रमण नहीं हटा। क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद हटेगा अतिक्रमण? कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। जो भी स्थिति रहती है या कहीं और व्यवस्था रहती है, निरंतर हम नहीं कर पाते हैं। मैडम, आज इस तरह से कार्रवाई की जाएगी, अब क्या इनको नोटिस दिया जाएगा क्या आगे कि ये दुकान हटा लीजिए आप? जी, वैसे तो ये पूरी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से, नोटिस वगैरह भी नगर निगम की तरफ से ही होते हैं, चालानी कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से होती है। हम और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैडम लोगों का ना है कि यहाँ पे आज अतिक्रमण आप हटा देंगे, कल फिर लोग लगा लेंगे, तो उसके लिए क्या स्थायी सतत निगरानी हम करेंगे इसमें।